मेरा क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु को जब ऊपर उछालते हैं तो पृथ्वी की ओर नीचे क्यों गिरती है? आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सही आंसर। अब तुम्हारा नंबर, तुम अपना क्वेश्चन पूछो। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है या पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर घूमती है? इसका आंसर तो बहुत सरल है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। बिल्कुल सही आंसर था। अब तुम्हारा नंबर, तुम क्वेश्चन पूछो। ओके, मेरा क्वेश्चन है, सौर परिवार में सूर्य के चारों ओर ग्रह और उपग्रहों की गति को कौन सा नियम समझाता है? मुझे पता है, इसका आंसर है केपलर के नियम। सही जवाब। अब तुम्हारी बारी, तुम पूछो। गेम जीतने के लिए मुझे कठिन सवाल पूछना चाहिए। मेरा क्वेश्चन है, केपलर के नियम क्या है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। मुझे भी नहीं पता केपलर के नियम किसे कहते हैं। तुम्हें बता तुम बताओ। मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता। कल स्कूल में मैडम से पूछेंगे इसका आंसर। इस गेम में तो हम तीनों के बराबर पॉइंट आए हैं, इसलिए हम तीनों जीत गए हैं। चलो घर चलते हैं, काफी देर हो गई है अब। हाँ, चलो फिर घर चलो। चलो फिर, चलें घर चलें।